राजस्थान से, एकदम 1000 स्तर के 800 रुपए का स्कोर। अच्छा, ये जो वॉल पे टंगा हुआ है उसका प्राइस कैसा रहेगा? ये आप खुद हाथ से बनाते हैं? अच्छा, फोटो भी मिलेगा 450 में। और असम का प्राइस कैसा रहेगा? हेलो, हाय, नमस्कार। तो मोर आ गोटे नुआ भिडियो को आप समस्त स्वागत। तो मुझे बर्तमान आमर बारीपदार छौपड़िया को है कि जेटी की हैंडलूम मेला पड़ी, जार नाम ये आपने देखिपे हैंडलूम हैंडिक्राफ्ट एक्सपो 2024 लिखाई है। तो चलते बर्तमान बुलवा बारीपदार छौपड़िया होता हैंडलूम मेला, तो डाउ स्टार मेन गेट चलत जावा भितर को। तो यहाँ हूँ तार गोटे गेट ये देखिपे, आठ तार गेट सामने आप देखिपे स्टॉल भी गोटे अच्छे है। तो यहाँ हूँ मेला ये टाइप किसी स्टॉल चलत जावा भर को। यहाँ हूँ प्रथम स्टॉल, चलतु यू आरंभ करवा। भैया साड़ी का प्राइस कैसा रहेगा? 1000 से स्टार्टिंग है। हाँ, अंदर पहले 5000, 6000, 7000 तक की है। हाँ, कहाँ से आए हैं? बनारस। भैया आपके पास क्या क्या है? खादी के शर्ट है, कुर्ते हैं। प्राइस कैसा रहेगा? 200 से लेके 800 तक। तो एक तो कहीं नहाँ थी चलो जी नेक्स्ट भैया। भैया क्या क्या है आपके पास? मेरे पास बेडशीट है। प्राइस कैसा रहेगा? डबल साइड बेडशीट मिलेगा क्या? थोड़ा दिखा सकते हैं? यस। इसका प्राइस कैसा रहेगा? ₹650। भैया क्या क्या है आपके पास? 90 है सर, ओनली 90। प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस अलग अलग रहेगा, 350, 450। हाँ, 350, 450। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास साड़ी है कश्मीर का सर। कश्मीर का साड़ी? हाँ जी सर। कौन कौन सी साड़ी है नाम बता सकते हैं? बहुत सारे, सिल्क में आ जाएगा, टसर में आ जाएगा सर, चना में आ जाएगा सर, बहुत सारी वरायटी मिल जाएगी। कानी के ऊपर आ जाएगा जो कश्मीर का फेमस आइटम रहता है। ये हाथ से बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, हाथ से किया जाता है। कैसे बनाते हैं एक साड़ी को बनाने में, जैसे कितना टाइम लगता है? उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम अगर प्योर साड़ी ले लोगे तो उसमें तो कम से कम 2 महीने लगते हैं। 2 महीने? वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव जाते हैं। जैसे यहाँ पर फेमस है समलपुरी साड़ी, वैसे हमारी कश्मीर की साड़ी है कानी साड़ी सर। प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस हमारे स्टार्टिंग प्राइस 1200 रुपये से। एक दो दिखा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं सर, बिल्कुल। ये 12 है? हाँ जी सर, 1500-20% का आप मिल जाएगा सर। 12000 से स्टार्टिंग प्राइस, जिस साइज में चाहिए आपको उस साइज में मिल जाएगा सर। अच्छा, 20000 तक आपको साड़ी मिल जाएगी सर। ये वाला आपको पड़ेगा 1400 रुपये का सर। अब भैया क्या क्या है आपके पास? हमारे पास कश्मीरी आइटम है भैया, जैसे कि स्टोल है, ड्रेस मटेरियल है, साड़ी है, और वैरायटी है हैंडलूम का। आप कश्मीर से आए हैं? प्राइस कैसा रहेगा? हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस रहेगा, साड़ी का रहेगा स्टार्टिंग प्राइस 1500, स्टॉल का रहेगा 1500 स्टार्टिंग, स्टॉल का रहेगा 800 स्टार्टिंग। एक दो दिखा सकते हैं? कोई बात नहीं, सर जी आएगा 1000 स्तर के 800 रुपये का स्टॉल रहेगा हमारे पास। कितना बॉलीवुड के ऊपर रहते हैं? अच्छा, बॉलीवुड के ऊपर। ये प्राइस कैसा? प्राइस रहेगा 1000, जिसमें 20% का रिबेट रहेगा, 800 रुपये का पड़ेगा। ये 1500 टेस्ट करके 1200 का रहेगा ये वाला, बट हैंडलूम। अच्छा, इसलिए भी आपको कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे कस्टमर को, और अगर फर्दर इतना कर सकते हैं कस्टमर के लिए, यहाँ पे 20% ऑलरेडी डिस्काउंट है, फर्दर और 10% और कर सकते हैं। अच्छा, ये भी 1500 टेस्ट करके 1200 की रहेगी ये स्टार्टिंग। अच्छा, कलर्स ऑप्शन देखें, कलर्स ऑप्शन और मिल जाएंगे, डिज़ाइन पैटर्न अलग अलग मिल जाएंगे। लेफ्ट अच्छा,
अरिवर्क में रहेगा ये भी 1500 लेस करके 1200 का रहेगा, ये भी 1200 डिस्काउंट के बाद। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रश कॉटन। अच्छा, क्या है भाई आपके पास? मेरे पास ट्राउजर आएगा हरियाणा पानीपत। अच्छा, प्राइस कैसा रहेगा? 300 के हैं, 500 के दो, 300 के एक। अच्छा, क्या क्या है भाई आपके पास? कुर्ती है, प्लाजो है, फ्रॉक है। अच्छा, ये जो वॉल पे टंगा हुआ है उसका प्राइस कैसा रहेगा? अलग अलग प्राइस, जैसे 50, 850, 550, 350, 550 का है। क्या क्या है आपके पास? जूट बैग है। अच्छा, प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस अलग अलग रेट आते हैं, जैसे का है 120 का है, 150, 300, 400। ये आप खुद हाथ से बनाते हैं? हाँ। कितना टाइम लगता है बनाने में? जैसे कि एक को बनाने में कितना टाइम लगता है? डिजाइन के हिसाब से होता है, साइज के हिसाब से होता है। जैसे ये जो वॉल पे लगा है, फुल है उस पे? हाँ, जैसे कोई एक बैग लगते हैं, 1-2 घंटे लग जाते हैं एक बैग फिनिशिंग करने में। अच्छा, इसका प्राइस कैसा रहेगा जो फुल है? 350 का है। 350 का है। आप कहाँ से आए हैं? कोलकाता से। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। क्या क्या है आपके पास? हमारे पास बेड शीट है जी, राजस्थान की, सिंगल डबल, रजाई है, दोहर है। डबल का प्राइस कैसा रहेगा? स्टार्टिंग 750 रुपये का है। अच्छा, प्योर सूती में मिलेगा, 7.5 फुट चौड़ा आएगा, 9 फुट की लंबाई है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। प्राइस कैसा रहेगा, क्या क्या है आपके पास? 1000 से स्टार्टिंग आएगा सर। अच्छा, क्या क्या है आपके पास? बनारसी साड़ी है, सूट है, दुपट्टे हैं। 1000 से कितना तक जाता है? 1000 से 50,000 तक की साड़ी। अच्छा, ये जो है यहाँ पे, ये इसका प्राइस कैसा रहेगा? इसमें 1200 से स्टार्टिंग आता है। अच्छा, 4000 तक की। ये येलो वाला? येलो वाला सर 2000 का। 2000 का 20% रिबेट होगा, 1600 का। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। स्टॉलटा पे लागू छे लाही, स्टॉलटा रेडी हो छी, मु त आगा पळे आछी। तो ये भिडियोटी मुझ गत 21 अक्टोबर सोमवार दिन रेकर्ड करी से स्टल रेडी ही नाला एवं हो जाए कि क्या तरह अच्छे तुम बाहर कह आम अच्छे रसुण अच्छे लंका अच्छे बरगोली चंतुली कलरा करड़ी ओ पणस रेट कमी रेट अच्छे 280 टाँग 90 टाँग 100 टाँग 130। अच्छा, कौठू आसन आप बालेश्वर आस रेट 150-200। अच्छा, कौठू आसन आप मुंबई ओडिया केमती? अच्छा, ओडिया आसला पर सीखी जाइए कत दिन लगला ओडिया सीख पाई? हाँ जा हो, धन्यवाद भाई। आप रेट कमी अच्छे टे कह 150-200-300। अच्छा, आपको कि भाषा शिख तुम्हें? हाँ ना, जा हाँ शिखी से धन्यवाद भैया। सोचा प्राइस कैसा रहेगा? हाँ, कितना? 400-300। अच्छा, अच्छा स्टार्ट 300। ये जो व्हाइट वाला है? व्हाइट वाला हाँ। अच्छा, हर साइज मिल जाएगा? हर साइज मिल जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब। इसको हाथ से बनाते हैं? हाँ, टोटल हैंडमेड है। कितना टाइम लगता है इसको? एक जूती बनाने में 3-4 घंटा लगेगा। 3-4 घंटा लगेगा एक पीस बनाने में, दोनों अच्छा। बनाने में 6 घंटा लग जाएगा। अच्छा, कितने लोग बनाते हैं आपके? हमारे लगभग 8-10 कारीगर रहते हैं। 8-10 कारीगर रहते हैं। बनाते किस किस चीज़ से बनाते हैं ये? हाँ, हैंडमेड है, पूरा हाथ से बनता है पूरा ये पूरा कपड़ा। ये जो मटेरियल क्या है? मेटेरियल धागा रहता है, रेशम का धागा रहता है। अच्छा, हाँ, पूरा हैंडमेड जरी का काम रहता है, रेशम का धागा रहता है। अच्छा, इसको ये खत्री क्राफ्ट के नाम से चलता है। हाँ, फेमस है ये खत्री क्राफ्ट पंजाब का। अच्छा, ठीक है भैया।
भैया क्या क्या है आपके पास? हाफ शर्ट है, फुल शर्ट, कुर्ता, जैकेट, पैजामा। और प्राइस कैसा रहेगा? हाफ शर्ट 250 रुपया, फुल शर्ट 300, कुर्ता 350 से स्टार्ट है। और कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार से, ठीक है भैया, थैंक यू। तो यहाँ हूँ से मेलार ऑफिस है, तो चलो ये पचार कौन कौन सब ये ऑफिस में क्या क्या हो रहा है? जैसे ऑफिस में सर यहाँ सारे लोग बिल पे कराते हैं। अच्छा, इससे कस्टमर कोई असुविधा ना हो, क्योंकि तो एक बिल उनके पास एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत ना हो, वो बिल लेके आके एक्सचेंज करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे एक सेंटर है यहाँ पे पूरा का, यहाँ पे हर चीज मेन पावर यहीं पे है। ऑनलाइन भी पेमेंट होता है ना? ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे हर प्रकार की सुविधाएं हैं यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे किसी को बदलना है तो कितने दिन में वो बदल सकते हैं? सेवन डेज। अच्छा, 7 दिनों के अंदर चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वॉशिंग स्टॉक का बोलिए भैया, क्या क्या है आपके पास? शॉल है, सूट है, साड़ी है, स्टोल है, कुर्ती है, कप्तान है, ऑल ओवर। कहाँ से आए हैं? हम कश्मीर से, श्रीनगर से। अच्छा, प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस हमारे पास 500 रुपीज़ से शॉल स्टार्ट है, 500 रुपीज़ से स्टॉल स्टार्ट है, और कुर्ती हमारे पास 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। आपके पास क्या क्या है? मेरे पास कश्मीरी आइटम है, या कश्मीरी कुर्ती है, लॉन्ग मिलेगा और शॉर्ट में भी मिलेगा। प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस रहेगा लॉन्ग का रहेगा एक लिलन का आएगा, और कॉटन का आएगा, लिलन का आएगा 750 और कॉटन का आएगा 650। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। और शॉर्ट को भी मिलेगा 450 में और 550 में। अच्छा, ठीक है भाई, थैंक यू। भैया क्या क्या है आपके पास? हमारे पास जो है जैसे कश्मीरी साड़ी है, सिल्क में आएगी, लोटस सिल्क में आएगी, पश्मीना में आएगी, कश्मीरी कानी में आएगी। अच्छा, हमारे पास एम्ब्रॉयडरी की भी साड़ी रहेगी, प्लस हमारे पास जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे पाउचेस आ जाएंगे एम्ब्रॉयडरी में। अच्छा, तो ये लेदर के रहेंगे, स्वेट के रहेंगे, हमारे प्योर कश्मीरी में भी हमारे पास प्योर कश्मीरी रहेगा सारे। अच्छा, प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस हमारे पास जो है वो 1200 से स्टार्टिंग है, यानी कि 1200 से हमारे पास स्टार्टिंग है, अब तो हमारे पास 20,000 तक अवेलेबल रहता है। अच्छा, ये जो मिनी पर्स है इसका प्राइस कैसा रहेगा? जो हमारे मिनी पर्स है ये 400 से स्टार्टिंग प्राइस है, जिसमें जो है लेदर रहेगा, प्लस में जो है हैंड एम्ब्रॉयडर रहेगी, जिसे कश्मीरी में नाम दिया जाता है आरी वर्क। अच्छा, ये हैंडमेड है? हैंडमेड पूरा रहता है हमारे कश्मीर में, क्योंकि हमारे कश्मीर में जो है मशीन मेड नहीं होता, जी, जी, इंडस्ट्रीज नहीं है जी। मैं ये बोल रहा था आपको सर कि जो हमारा ये आर्टिजन से पहचाना जाता है हमारा कश्मीर, वहाँ पे हर किसी चीज़ का जो भी काम बनता है वो हैंडमेड ही होता है हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब नहीं है, वहाँ पे जो भी होगा सारा हैंडमेड ही होता है वहाँ पे। जो ये मिनी पर्स बनाने में कितना टाइम लगता है जैसे एक को बनाने में? सर मिनिमम जो है जैसे इसमें आधा दिन लग जाता है मिनी पर्स में, जो है कारीगर को इससे इसको पहले जो है इसका लेदर कट किया जाता है, उसके बाद इसको डिज़ाइन दिया जाता है, आफ्टर दैट इस पे कढ़ाई की जाती है, उसके बाद मान लीजिए आप 3-4 घंटे का वर्क हो लगता है इस पे एक मिनी पर्स बनाने में। एक साड़ी को बनाने में कितना टाइम लगता है? एक साड़ी को डिपेंड होता है, अगर कढ़ाई वाली हो तो टाइम लगता है, अगर जैसे सिल्क में साड़ी हो या प्रिंट में साड़ी हो तो मान लीजिए आप 1 से 1.5 दिन तो लग ही जाता है इसको। अच्छा, बनाने में अगर कढ़ाई वाली हो तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं इसको साड़ी में, क्योंकि ये लूम होता है, हैंड लूम जिसे बोला जाता है, हैंड लूम से बनाई जाती है ये वाली साड़ी। कितने लोग बनाते हैं? तो हमारे मिनिमम जो रहता है मिनिमम में दो बनाने वाले रहते हैं कारीगर। अच्छा, अच्छा। और मैक्सिमम जो है 3 से 4 रहते हैं। 3 से 4 रहते हैं। आप डेली का यही काम है ना? हमारा डेली का ही है, हमारा फैमिली बिजनेस है। अच्छा, तो हमारा कश्मीर में भी ये बिज़नेस चलता है और यहाँ पे भी बिज़नेस चलता है। आप पहली बार आए हैं बारीपदा? हाँ, मैं पहली बार यहाँ पे बारीपदा आया हूँ, अदरवाइज उड़ीसा कुछ जगह कर चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम इन बारीपदा। अच्छा, ठीक है भैया, वेलकम इन बारीपदा। थैंक यू सो मच। ये जो वॉल पे टिका हुआ है उसका प्राइस कैसा रहेगा? ये वाला 1850 का, 2500 का, जैसा लेंगे वैसा रेट है। कहाँ से आए हैं? बनारस। बनारस से। क्या क्या है आपके पास? साड़ी है, शॉल है। अच्छा, असम का। असम का प्राइस कैसा रहेगा? सबका अलग अलग है, जैसे कि साड़ी का 1000 से स्टार्टिंग है, 4000। अच्छा, ये जो टंगा हुआ है यहाँ पे इसका प्राइस कैसा रहेगा? सारे का अलग अलग। जैसे येलो कलर का
तो वर्तमान आम सागर ये मेलार जी इनचार्ज अच्छा सी अच्छा तो चलते सहित कथा मेलार कौन कौन आते स्टल अच्छी से विषय टी कथ मेला पे क्या क्या है और कितने स्टल है थोड़ा आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। इस मेला में 40 स्टॉल है अलग अलग राज्यों से है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे तिलकुआ बेसी, जयपुरी बेसी जी, राजस्थानी कुर्ती, राजस्थानी अचार, अच्छा और भी अधिक कश्मीरी भी इस बार नया आकर्षण का केंद्र कश्मीरी आए हैं। हाँ। जो पश्मीना की शॉल लेके आए हैं यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली एकदम रिजनेबल रेंज में बढ़िया स्टॉल है। अच्छा, शॉल स्टॉल मफलर हर तरह के वैरायटी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। कितना दिन तक रहेगा ये मेला? ये फिलहाल अभी तो हम बेसिकली हम लोग एक महीने के लिए बैठते हैं। हाँ। बाकी जैसा बारी पदा में अपने को प्यार मिलता है वैसे बैठे चलता रहेगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। क्या क्या है भैया आपके पास? बेडशीट हैंडलूम वाला। अच्छा, प्राइस कैसा रहेगा? डबल वाला 850 से स्टार्ट है। 850 से? सिंगल वाला? सिंगल वाला 450 का। 450 का। बताइए आपके पास क्या क्या है? हमारे पास खादी के कॉटन शर्ट है। हाफ स्लीव फुल स्लीव लॉन्ग कुर्ता। थोड़ा पास में आइए, माइक के पास में आइए। हाफ स्लीव फुल स्लीव लॉन्ग कुर्ता, सॉफ्ट कुर्ता, खादी भंडार से ही मेहनत से कुर्ता मैन्युफैक्चरिंग है हमारा। प्राइस कैसा रहेगा? प्राइस एकदम नॉर्मल है, 200-250। 200-250। आप बहुत पान खाते हैं? हैं, मसाला खाते हैं। मसाला खाते हैं, ठीक है, खाते रहिए। थैंक यू भैया। तो यहाँ हूँ लास्ट स्टॉल थी जेटा कि आपको देखे दिली, और यहाँ हूँ मेन गेट। तो ये हैंडलूम मेला रे जितकि सब स्टॉल थी मुझे आपको देखे दिली है कि तो भिडियोटे आपको कमी लगला निहाँ कमेंट सेक्शन में कहे। यही मेलाटी गत शनिवार आरंभ होती केते दिन पर्यटन चलो ये तो मुझे जहाँ पचारी से जी इनचार्ज अच्छे मेलार से कहे गोटे मस पर्यटन चलो। तो गोटे मस पर्यटन चलो। तो भिडियोटा आपको कमी लगला निहाँ कमेंट सेक्शन में कहे। आउ थे गोटे नुआ भिडियो देखा हे, रोची, नमस्कार।